हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.2। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर च्वाइस। यानी कि आपको ये जो चार ऑप्शन दिया है इसको आपको चुनना है और जस्टिफाई करना है कि इस पर जो हम वैल्यू रखेंगे वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसका सभी पार्ट्स देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे और इसका और होमवर्क हम देंगे जो इसका पार्ट टू में आएगा। ठीक है, ये पार्ट वन में सभी क्वेश्चन बता देंगे और पार्ट टू में इसका और क्वेश्चन बताएंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है उसको बताने से फायदा ये होगा कि आपको और अधिक सीखने को मिलेगा और ज़्यादा प्रैक्टिस के लायक क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसको जरूर बनाइए ताकि आपका जो रिविजन है, कन्फ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाए। हमारा एक ही मकसद है कि बस आपका मैथ रटा ना जाए, बस आपको इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 tan 30° बटा 1 plus 10² 30°। यानी कि आपको वैल्यू याद करने के लिए हम बोले थे, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 10 30° का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 10 30° का वैल्यू ये, तो क्वेश्चन लिखा हुआ हम फिर से क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट हम रख रहे हैं वैल्यू। 10 30° का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, बटा में 1 plus 10 30° का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 नीचे छिपा हुआ है, 1 इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 ऐसे। अब यहाँ से ये 1 अभी ऐसे रहने दीजिए, ये स्क्वायर जो है 1 को भी मिलेगा और √3 को भी मिलेगा, √3 को मिलेगा तो √3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा यानी कि 1/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कुछ नहीं तो 1 नीचे छिपा हुआ है, अब इसका ये ऊपर वाला है जैसे वैसे इसको लिख दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 बार में चला जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 1 बार में कट जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको अब इधर लिखते हैं तो 2/√3/4/3। ठीक है, अब ये पूरे डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसका जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे 2√3/3/4। ये और ये कट गया। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3/√3। ठीक है, क्योंकि फिर से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा √9 और √9 किसका रूट है तो 3 का है, तो फिर से 3 यानी कि हम 3 को जरूरत पड़ने के हिसाब से इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बताइए कि ये 3 के जगह पर √3/√3/2 ऐसे हो गया। अब 1√3 कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, हमारा बचा सिर्फ √3/2 बचा। अब ये इसको चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो बताइए sin 60° का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कर देंगे तो cos 60 का होता है 1/2, ये ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 का होता है √3, ये भी नहीं होगा, और sin 30 का होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा सही। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी चीज़ बताते चलें ताकि आपको टफ ना लगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो और मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 - 10² 45° बटा 1 + 10² 45°। ये है और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसको हम लोग रखेंगे वैल्यू, तो देखिए 1 1 है, 10 45 का वैल्यू, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 और इसका भी 1 का स्क्वायर। अब ये 1 और 1, ये 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर ये नीचे, अब ये तो हो गया 0, 1 में से 1 0 और नीचे कुछ भी है तो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, sin 2a = 2 sin a is true when a = 2। यानी कहने का मतलब है कि a का वैल्यू हम क्या रखें कि ये इक्वल हो जाए। चलिए तो a का वैल्यू पहला ऑप्शन देखते हैं ट्राई करके, तो ऑप्शन नंबर a अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो पहले एक बार हम इसको लिख ले रहे हैं, ये हो गया 2 sin a। अब a का वैल्यू कितना है,
तो ए का वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे जीरो, पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा, और ये टू साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, और यहाँ भी साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब यही ऑप्शन हो गया हमारा, सेटिस्फाई कर गया। बाकी का भी देख लेते हैं, रख कर बाकी सब भी देख लेते हैं। तो 30 का अगर रखेंगे एक जगह पर रख देंगे 30 डिग्री, तो बताइए यहाँ से हो जाए, अगर 30 रखेंगे तो साइन 60 हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और इधर 2 साइन 30 डिग्री, बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2, और 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम ये बाकी ऑप्शन को टिक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, बाकी भी आप रख करके देख लीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट, और चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट और 4 है, ठीक है। 2 tan 30° बटा में 1 - tan²(30°। अब बताने कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, 2 tan 30° बटा में 1 - tan²(30°। क्या बता सकते हैं कि 10^30 का कितना वैल्यू होता है, तो 10^30 का होता है 1/√3 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर नहीं रहेगा, 2 है, 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, बटा में 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, रूट 3 नीचे हो जाएगा, नीचे में बताइए क्या होगा, माइनस, और ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो 1, और ये रूट, रूट और स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, तो हो जाएगा सिर्फ 3। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 3, ऊपर में जो है वो रहने दीजिए, एलसीएम इसका आ गया 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में होगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये आपका आ गया बटा में यहाँ पर 2/3। अब ये पूरे क्या में है, डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं तो हो जाएगा रूट, और इस पर लिख सकते हैं कैसे, ये जैसे था वैसे लिख दें, ठीक है, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो ऊपर नीचे वाला चेंज हो जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अभी बताए थे कि 3 में 2 रूट छिपा हुआ है, 2 रूट है, इसको हम लिख सकते हैं, तो एक वो और एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा हमारा रूट 3। रूट 3 बताइए किसका आंसर है, तो देख लेते हैं कि कोस 60 का कितना होता है, कोस 60 का होता है 1/2, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, साइन 60 का होता है रूट 3/2, ये भी गलत हो जाएगा, टेन 60 का होता है √3, तो √3 है हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका और भी क्वेश्चन चाहिए कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, तो इसका पार्ट 2 वीडियो जाकर के देखिए, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने से आपका फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन मजबूत होगा, और क्वेश्चन अगर इधर उधर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आपको बनाने आएगा, ऐसा ही एग्जाम्पल हम उसमें भी पार्ट 2 में आपके लिए डाले हैं, ताकि आपको उसको देखिए और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जितने सारे डाउट हुए आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।